तो रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच जर्मन चांसलर ओलाफ चार्ल्स मॉस्को पहुंचे हैं, मॉस्को पहुंच गए हैं और जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 3 घंटे तक बैठक हुई और माना जा रहा है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को पीछे हटने के लिए समझाने की कोशिश की। पुतिन ने कहा कि हम समझौतों की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है रूस युद्ध नहीं चाहता। साथ ही पुतिन ने कहा कि वो वॉशिंगटन और नाटो की हरकतों की तरफ आंख भी नहीं मूंद सकते हैं। जर्मन चांसलर और पुतिन के बीच ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर यूक्रेन भी गए थे। तनातनी अमेरिका और रूस के बीच में लगातार बढ़ती जा रही है यूक्रेन को लेकर, और 10 वेबसाइटों पर भी आपको बता दें कि लगातार कई तरह के प्रतिबंध की घोषणा पहले ही अमेरिका ने कर दी है।